अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। द फ्रेंड्स, आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मैं आपको चिकन कड़ी कोफ्ता बनाना बताऊँगी। देखें, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले चिकन लिया है हमने, 1000 ग्राम चिकन का कीमा बनवा लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इसका पानी सुखा कर फिर मैंने ये रख दिया था। प्याज ली है एक दरमियाने साइज़ की, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी काट ली थी और इसको मैंने पहले धोकर फिर कटिंग की थी ताकि इसके अंदर पानी जज्ब ना हो जाए। ये भी एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो फ्रेंड्स, मसालों की तरफ आते हैं। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर, ये हमने घर में ला के इसको पीसा था, ये लिया 1/4 टीस्पून, और लाल कुटी हुई मिर्च भी 1/4 टीस्पून लिए, और लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून लिए। फिर हल्दी ली है, ये भी 1/4 टीस्पून है जी। तो इसके बाद हमने लिया है चने का पाउडर, ये भी 3 टेबलस्पून है। टेबलस्पून ये चम्मच, यानी कि ये टेबलस्पून है जिसकी मदद से हमने लिया है। ये 3 अदद जो है हमने डाले हैं, और अगर हम इसमें कीमे में ऐड करेंगे तो ये कीमे का पानी भी जस्ट कर लेगा जी। तो व्यूअर्स, 1 एग भी हमने लिया है, ये भी हम ऐड करेंगे ताकि कोफ्ते को ज्वाइन होने में आसानी हो सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने कीमा लिया है, ये 1000 ग्राम है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हमने खुश किए हैं क्योंकि हमने कटिंग के बाद उसको धो के नहीं काटे किए हैं। ये भी टिप मैंने आपको बताया था कि जब आप प्याज लेंगे तो उसको अच्छी तरह से छील के धो लें और फिर कटिंग करें ताकि वो इसमें पानी जज्ब ना हो जाए। और जब कोफ्ते हम बनाते हैं, जैसे कोफ्ते हैं, चपली कबाब हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम बनाते हैं तो हम इस तरह के प्याज यूज़ करते हैं जिसमें पानी जस्ट नहीं हुआ हुआ होता। चने का पाउडर ऐड करेंगे, अंडा ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। अब इसे एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब अच्छी तरह से हैंड वॉश करके इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है जी। तो व्यूअर्स, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, और ये प्याज इसके बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट भी तैयार नहीं किया, दरमियाना हमने इसको ग्राइंड किया है। अब हम इसमें कोफ्ते बना लेंगे। कितना सख्त है, तो व्यूअर्स ये कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें, ये राउंड शेप के हमने इसे बना लिए हैं। अब फ्राई की तरफ चलता है। रहमान रहीम, पढ़कर मैं शुरू करती हूँ। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने एक सॉस पैन स्लो स्टीम पे रख दिया है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हसब ज़रूरत ऑयल ऐड करके इसको गर्म कर लेंगे ताकि कोफ्ते जब हम ऐड करें तो इसकी स्किन सख्त हो जाए। तो व्यूअर्स, ऑयल जो है गर्म हो गया है, इसमें जो झाग बन रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब हम इसमें आहिस्ता के साथ कोफ्ते ऐड कर देंगे इस तरीके से। इस तरह हम सारे डाल लेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, नीचे से थोड़े सख्त होने लगे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और आहिस्ता के साथ इसको पलट लेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। इसी तरह हम सारे कर लेंगे जी। तो फ्रेंड्स, इसे हमने सारे कोफ्तों को पलटा लिए हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, हमने दरमियानी से थोड़ी सी हल्की आंच पे इसे रख दिया है, और ताकि ये अंदर से पक जाए, क्योंकि ऊपर से ये सख्त हो गए हैं। और देखें, ज़रा सा भी नहीं ये टूटे और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
बस 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। जी तो फ्रेंड्स 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं। कोफ्ते जो है फाइनली तैयार हो गए हैं और हमने इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है, नीचे अखबार रखा है जो आप देख रहे हैं, ताकि इसमें जो ऑयल है वो सारा अखबार चूस ले। और ऑयल जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं ज़्यादातर जो है सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जो है हमारे सेहत के लिए फिर भी बेहतर है। और अच्छा, अब ये देखें कोफ्ते कितने अच्छे और सख्त हुए हैं। तो अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत सख्त हुए हुए थे और ये कितने अंदर से देखें पक गए हैं। हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने धीमी आंच पर एक बर्तन सॉस पैन रख दिया है, अब इस पर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने हसब ज़रूरत ऐड करना है, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। ऑयल नीम गरम हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लाइट ब्राउन होने तक पका लें। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, टमाटर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स हमने इसको भून लिया है। टमाटर जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो 3 अदर टमाटर हैं। टमाटर मैंने कुछ ज़्यादा लिए थे ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और चटपटा सा हो जाए। तो सबसे पहले हम हल्दी की तरफ चलते हैं। हल्दी जो हमने ली है 1/4 टीस्पून ली है, और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च भी 1/4 टीस्पून ली है, और लाल पिसी हुई मिर्च भी 1/4 टीस्पून, और ज़ीरा वो भी हमने 1/4 टीस्पून लिया है। इसके बाद धनिया पाउडर, ये धनिया भी हमने फ्रेश लाकर उसको घर में पीसा था और उसको भून लिया था ताकि इसकी खुशबू से सालन और मज़ीद डिलीशियस हो जाता है, तो ये भी हमने लिया है 1/2 टीस्पून। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे जो हमने आपको दिखाए थे, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमने लिया है ये देखें 1/2 प्याली, तो ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स अगर हम इसको मज़ीद इसी तरह पकाएंगे तो इसके प्याज और टमाटर जो है फिर भी साबुत रह जाते हैं और मसाले में सही तरह से ये मिक्स नहीं हो पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह पकाएं और फिर इसको शेक कर लें। शेक करने से इसकी ग्रेवी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। जी तो फ्रेंड्स वो मसाला जो हमने शेक किया था ये देखें वो इस तरह का पेस्ट बन जाता है। इसको अब दोबारा उसी बर्तन में ऐड कर देंगे। मसाला हमने इस बर्तन में ऐड कर दिया है, इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे कटी हुई और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो कोफ्ते में भी हरी मिर्चें डाल के उसको हम पेस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कि इसकी ग्रेवी में डाली है, क्योंकि मिर्चें मैंने ग्रेवी में भी इस्तेमाल की हैं और कोफ्ते में भी, इसलिए कोफ्ते में मैंने थोड़ी सी कम इस्तेमाल की हैं। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और चम्मच की मदद से इसको हल्का सा भून लेंगे। ग्रेवी मुकम्मल तैयार करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन मैंने 1/2 लीटर लिया है, अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर ग्रेवी ज़्यादा तैयार करनी है, यानी कि ज़्यादा सूपी तैयार करनी है, तो इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी गाढ़ी हो तो इसमें कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस कोफ्ते का जो सूप है ये अब पकने को आ गया, कोफ्ता ऐड कर देंगे। इसी तरह सारे हम डाल देंगे। जब ये पकने को आ जाए तो इसकी आंच आप दरमियानी कर दें और चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लें। दरमियानी आंच पे इसे ढककर पकने के लिए रख दें। तो व्यूअर्स ढक्कन ओपन करते हैं। ये देखें कोफ्ते की ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, इसने ऑयल छोड़ दिया है और कोफ्ते भी ग्रेवी में जो आकर नरम हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दूंगी। जी तो फ्रेंड्स हमारा कोफ्ता ग्रेवी के साथ मुकम्मल तैयार हो चुका है।
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।